अध्यक्ष महोदया, हाथ पकड़ के लाऊं क्या किसी को? अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदया आपके द्वारा मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, संविधान और संसद और बाबा साहेब, इसमें कोई दूसरा शक नहीं है कि इसमें मेरा निष्ठा कम है, वो है, ये है, बिल्कुल संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, संसद मेरे लिए सर्वोपरि है, इसमें प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक नागरिक के नाते मैं संविधान के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता हूं, बस इतना ही सफाई दे सकता हूं मैं। वॉट इज नाउ, क्या क्या ये देखिए, क्या होता है? देखिए मैडम, ये जो बोल रहे हैं अपनी बात खुद ही कम करके बोले हैं। उन्होंने ये कहा है अंबेडकर के विचारधारा पे यह संविधान बना हुआ है, मनुस्मृति ये अंबेडकर, उन्होंने बोला है कि बाबा साहेब के लिए। एक मिनट, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे अच्छा, मेरी सुनिए अनंत जी, एक मिनट। आपने कहा बात सही कि बाबा साहेब अम्बेडकर किसी के प्रति आपके मन में कोई हो ही नहीं सकता, आदर ही है। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जी। मेरी बात तो सुनो, या मैं कुछ नहीं बोलूंगी? हाँ तो सुनो ना, मैं आपके एगोनी समझ रही हूँ ना। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आपको अपनी बात ठीक भी लगे, लेकिन सामने वाला कभी हर्ट होता है, ऐसा होता है। आपके मन में किसी को हर्ट करने की इच्छा नहीं होती है, आपने किया भी नहीं हूँ, लेकिन माफी मांगने से, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई छोटा नहीं होता है। आप इतना तो कह सकते हो कि अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो क्षमा मांगे, सदन है, सदन सर्वोपरि है, हम सब मिलजुल के सदन को चला प्लीज। अगर इस बात से जो गुमराह करके यहाँ पर पेश कर दिया गया है, मैं कभी ऐसा नहीं कहा था, अगर उसमें चोट पहुंच गया हो तो माननीय सदस्यों के सामने क्षमा मांगने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। बस ठीक है।